हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम। वेलकम टू माय चैनल गुलदस्ता। आज की रेसिपी एक ऐसी है जो हेल्दी भी है, इजी भी है और बहुत हल्की फुल्की भी है। यस, मैं बात कर रही हूँ साउथ इंडियन रेसिपी उपमा की, जो 15 मिनट्स में ही बन जाएगी जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ बनाइए, और बनाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट जरूर करें। उपमा बनाने के लिए मैंने जो 1 कप है ये सूजी ले लिए, यानी कि सेमोलिना, और कढ़ाई को भी मैंने फ्लेम पे रख दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इसे हल्की आंच पे, मतलब लो फ्लेम पे इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि इसको हमने लाल नहीं करना है, इसका मॉइस्चर निकाल देना है। इसको हल्का सा सेक लेंगे सो दैट इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये लीजिए, जो सेमोलिना है ये तो पक चुकी है, मतलब इसको हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा रोस्ट करना था जो कि हो चुका है। अब इसे मैं क्या करूंगी, एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। सूजी को एक प्लेट में निकालने के बाद अब इसी कढ़ाई में मैं डाली हूँ 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, क्योंकि कढ़ाई गर्म थी तो ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो ये मैंने ले लिए हैं मूंगफली, यानी कि पीनट्स। आप चाहें तो वो जो रेड कलर का छिलका होता है ना उसके साथ भी ले सकते हैं, और चाहें तो ऐसे वाइट भी ले सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैंने ले लिए पीनट्स। इसको ऑयल में डाल देते हैं और हल्का हल्का रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, पीनट्स भी हमारे रोस्ट होने शुरू हो गए हैं। जब ये ऑलमोस्ट होने लग जाए उस टाइम पे मैं डाल रही हूँ काजू। काजू भी मैंने हाफ ले लिए हैं, और ये भी कुछ पल के लिए इसको भी मैं रोस्ट कर लूँगी सो दैट इसका कच्चापन निकल जाए, और जो उपमा में खाएंगे तो स्वाद ही कुछ और होगा। तो ये देखिए, ये तो फटाफट रोस्ट हो गए। गैस को कर देती हूँ बंद, और इनको भी मैं एक कटोरी में अलग से निकाल लेती हूँ, क्योंकि बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा पहले ये वाली तैयारी कर लेते हैं ताकि बाद में जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो चलिए इसे भी मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। इसी ऑयल में मैं डाल रही हूँ चने की दाल, ये भी 1 टेबलस्पून ले ली है, ये इसमें डाल देते हैं। चने की दाल जैसे ही थोड़ी सी हो गई है, इसके साथ मैं डाल रही हूँ ये उड़द की धुली हुई दाल जो कि वाइट होती है, ये भी 1 टेबलस्पून। इसको भी हल्का हल्का हम ऑयल में रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उपमा में जब ये आता है ना बहुत ही क्रंची लगता है, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है खाने में। तो ये देखिए, ये रोस्ट हो चुकी है। आपको कलर से पता चल जाएगा कि ये रोस्ट हो चुकी है। 2 ही मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जो है सरसों के दाने, ये भी बड़ा अच्छा फ्लेवर देंगे, ज़रूर डालिएगा। तो जैसे ये रोस्ट हो गई, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक 1 टेबलस्पून, मैंने काफ़ी अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है, ये इसमें रोस्ट कर लेते हैं। वैसे तो गार्लिक आप अपनी पसंद से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा प्लस माइनस करिए। इसके साथ आ जाता है अनियन, 1 अनियन मैंने लिया है और इसे बारीक बारीक काट लिया है। ध्यान रखने की जो अनियन हमने इसमें डाला है ये बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, हल्का सा जब ट्रांसपेरेंट सा होने लगे बस तब आपने इसे रोक लेना है। तो ये देखिए, अनियन जो है ट्रांसपेरेंट से होने लगे हैं, बस इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली। मैंने ये 1 ली थी ग्रीन चिली, इसको बारीक बारीक काट लिया है। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ ये कैरेट, कैरेट को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है 1 टेबलस्पून। इसी तरह से पीस, ग्रीन पीस, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, और ये आपको पता है ना हमारे यहाँ पे जो है ऑकलैंड में फ्रोजन मिलते हैं, जो एक्चुअली फ्रेश जो पीस होते हैं वो तो देखने को भी नहीं मिलते, बट नॉट ए प्रॉब्लम, हम खुश हैं इन्हीं फ्रोजन से, तो मैंने वही ले लिए हैं, इसलिए जल्दी पक जाएंगे। अगर आपके पास फ्रेश वाले हैं तो ज़रूर थोड़ी देर एक्स्ट्रा 1 to 2 मिनट्स इसको पका लें। ये वेजिटेबल्स भी होने लगी हैं, अब मैं क्या कर रही हूँ, इन वेजिटेबल्स को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, और मैं इसमें डाल रही हूँ करी पत्ता। तो ये आप अपनी पसंद से ताज़ा डाल सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे ड्राई है, मैंने ये वाला करी पत्ता यूज़ कर लिया है, क्योंकि करी पत्ता भी जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने लास्ट में डाल दिया। आप चाहें तो पहले भी इसे आप डाल सकते हैं। ये सब्जियां भी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो क्या करते हैं, इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ पानी,
और पानी जो है जितनी सूजी होती है, जितनी सेमोलिना है, उसका मैं 3 times पानी डालती हूँ ताकि ये सॉफ्ट भी रहे और अच्छा बन जाए। तो इसमें मैं 3 cups ऑफ वाटर डाल देती हूँ। इसको अब थोड़ी देर क्या करूँगी, मैं इसको अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लेती हूँ ताकि जितना भी फ्लेवर्स हैं, वेजिटेबल के फ्लेवर्स हैं, मसालों के फ्लेवर्स हैं, ये सारे इसमें मिक्स हो जाए। तो इस स्टेज पे मैं नमक भी ऐड कर देती हूँ। इसमें नमक डाल दूँगी मैं 1.5 teaspoon और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैं क्या करूँगी, इसको ढक देती हूँ सो दैट एक बार ये बॉयल हो जाए जिससे सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ढक्कन उठाकर देखते हैं, पानी अच्छी तरह उबल रहा है और आपने देखा कि उबलते उबलते सारे जो मसालों का फ्लेवर है, सब्जियों का फ्लेवर है, पूरा पानी में आ चुका है। मैंने आंच को लो कर दिया है सो दैट हम इसमें नेक्स्ट स्टेप कर सकें। ये है रोस्ट की हुई सूजी जो अभी हमने सेमोलिना को रोस्ट किया था और ये हमारा मसाला, ये सब्जियाँ, ये सब बिल्कुल तैयार है। अब क्या करना है, इसमें डालना है, लेकिन आप ध्यान रखें जो सूजी है पानी पीना शुरू कर देती है और इसको धीरे धीरे डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं सो दैट लम्प्स नहीं बनने चाहिए। तो ये देखिए, डालते जाइए हल्का हल्का और हिलाते जाइए ताकि आराम से सूजी जो है इस फ्लेवर में मिक्स हो जाए, या यूँ कहिए कि फ्लेवर सूजी में मिक्स हो जाए। लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए, धीरे धीरे डालते जाओ और हिलाते जाओ। सारा मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हिलाती जा रही हूँ मैं। आसपास जितना भी इसके मसाले वाला पानी है ना, सूजी में अच्छी तरह से मिक्स कर दो। ध्यान रखें इस टाइम पे सूजी फुदक फुदक कर आपके ऊपर आएगी, तो आपने जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है सो दैट आराम से आप बना सकें। और इस स्टेज पे अब मैंने क्या करना है, ये है लेमन जूस। ये मैंने जो है 2 teaspoon ये ले लिए, ये इसमें डाल देती हूँ ताकि फ्लेवर और एनहेंस हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है हल्की हल्की अभी सॉफ्ट है, पूरा ड्राई नहीं हुआ। आप जैसे राइस बनाते हैं ना, बस उसी तरह आपने इसको ढक के रख देना है ताकि जितना भी पानी इसमें अभी है इसकी स्टीम बन जाए और स्टीम के अंदर जो है सेमोलिना ये भी पक जाए। चलिए मैं इसको 2 से 4 minutes के लिए ढक के रख देती हूँ। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं और कि ये इसका क्या हाल है। ये देखिए, इसने पानी बिल्कुल सोख लिया और ये बिल्कुल अब ड्राई हो गया। अब जो है ये गीला गीला बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो अब क्या करना है, यहाँ इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता। आप चाहे तो ऐसे पत्ते पत्ते लेकर हाथ से तोड़ सकते हैं या फिर नाइफ से भी काट सकते हैं। और इसी समय मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू और पीनट्स जो मैंने अभी आपके सामने फ्राई किए थे। तो बस इसे हिला देते हैं एक बार अच्छी तरह से सो दैट ये सारा कुछ मिक्स हो जाए। ये लीजिए, ये उपमा जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, आप खाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए मैं इसे प्लेट में लगाती हूँ और आप और हम मिलकर इसे एंजॉय करते हैं।